ग्राम बेलई से भाजपा की विकास यात्रा की शुरुआत, विधायक सहित सभी विभागों के अधिकारी व नेता कार्यकर्ता हुए शामिल। आज से भाजपा की विकास यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसमें आज विकास यात्रा का रथ ग्राम बेलई पहुंचा, जिसमें विधायक महेश राय, एसडीएम शैलेंद्र सिंह व एसडीओपी प्रशांत सुमन सहित सभी विभाग के अधिकारी, पूर्व विधायक एवं बड़ी संख्या में भाजपा नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में विकास कार्यों के भूमि पूजन के साथ साथ गृह प्रवेश कराया गया और विधायक ने मंच से शासन से मिलने वाली योजनाओं से अवगत कराया। वहीं राशन पर्ची, समग्र आईडी, प्रधानमंत्री आवास सहित कई समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने विधायक से शिकायत कर परेशानी से अवगत कराया और योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी बात रखी। वहीं विधायक ने काम में लापरवाही कर रहे रोजगार सहायक पर कार्रवाई की बात कही है। यह यात्रा आज ग्राम कुरियाना, मुरियाना, भानगढ़, बिहरना सहित करीब एक दर्जन गाँव में जाएगी। विकास यात्रा के दौरान शिव कुमार ठाकुर, विजय होरकट, रतन सिंह यादव, जनपद अध्यक्ष उषा राय, नगर पालिका अध्यक्ष लता सखवार, जनपद सदस्य अमर प्रताप सिंह, लोकेन्द्र सिंह ठाकुर, पूर्व विधायक डॉक्टर विनोद पंथी, कमलेश राय, जनपद सीईओ शंकर लाल कुरेले सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद रहे। 9 तारीख से मध्य सागर जिले की विकास यात्रा आज बीना से बेले ग्राम पंचायत से शुरू हुई है और बीना से लगभग 13 गांव और 5 पंचायतें हैं हम लोग आज कवर करेंगे। और आज बेलई में काफ़ी बड़ी संख्या में हितग्राही भी आज उपस्थित थे और उत्साह था लोगों में और इसका रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। कुछ शिकायतें भी आ रही हैं, सचिव और रोजगार की शिकायत भी थी कि वो लोगों के, गरीब लोगों के काम नहीं करता है, पात्रता पर्ची में दिक्कत करता है और शासन की योजनाओं में लापरवाही भी बरतता है। उसकी भी हम लोगों ने कलेक्टर सागर को शिकायत कर दी है और हम लोगों ने तो उनको सस्पेंड की मांग की है और शाम तक उस पर कार्रवाई होना चाहिए। यदि ऐसे कर्मचारी अधिकारी काम नहीं करेंगे तो शासन की योजना पर काम कौन करेगा। तो आज काफ़ी बड़ा उत्साह था लोगों में, बड़ी संख्या में महिलाएं आई थी। जिनके काम नहीं हुए हैं उनको हम लोगों ने नोट किया है कि पात्रता पर्ची कितने लोगों की बनना है। प्रधानमंत्री आवास के भी आज कुछ हम लोगों ने गृह प्रवेश कराया है। तो कुल मिला के यात्रा उत्साहवर्धक रही है और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आज शुरुआत है और शाम तक यात्रा जारी रहेगी और लगभग 28 तारीख तक यात्रा रोज चलेगी। उसमें सभी अधिकारी उपस्थित रहते हैं, पूरे अधिकारियों की उपस्थिति भी थी और सब विभागों के, स्वास्थ्य विभाग के भी अधिकारी थे, मेडिकल चेकअप भी हो रहा है और बिजली की समस्याएं भी सुन रहे हैं। पंचायत के जितने विभाग थे सब पर काम लोग करने का प्रयास करें।